हमारी माटी पानी का सभी सुनदारा देखदार होते हैं सेवा सौरी आज हम बातचीत कर ला गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा पर छु बात ये बातचीत माँ ये चर्चा माँ हमदगड़ी गढ़वाली भाषा का कोष विज्ञानी जो क्योंकि गढ़वाली हिंदी शब्द कोश प्रकाशित को की वेद पुराण और ज्योतिष का जो, जो गहन अध्येता छ और जो प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त छल्भ शब्द शिल्पी श्री अरविंद पुरोज जी हमारा बीच आपको ये कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन और बंधन के भी शब्द को जब तक व्याकरण नहीं तब तक कोई शब्द को अर्थ नहीं होन प्रत्येक शब्द को अपनो व्याकरण होन और गढ़वाली भाषा का व्याकरण पर काम करने वाली एन विद्वान जो कि अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़ी जो संस्थाओं में काम कर का दिन समाज का वास्ता काम कर दिन भाषा का वास्ता काम कर दिन यन विद्वान श्रीमती रजनी कुकृति जी हमारा बीच हैं उनको भी ये कार्यक्रम में स्वागत जन कि आपने पता चाहिए यह कार्यक्रम को सीधो प्रसारण होना चाहिए आप हमारा विद्वानों से गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा पर बात आ, आ, सवाल पूछी सकता प्रश्न पूछी सकदन हमारो जो टेलीफोन नंबर चे शून्य एक तीन पाँच दी छ तीन तीन पाँच यू दूरदर्शन का जो स्क्रीन छे ते पर भी यू दिखेण चाहिए और एक बार फिर मैं आपने नंबर बतौना चूँ कि जीरो वन थ्री फाइव टू ट्रिपल सिक्स डबल थ्री फाइव पर आप फोन करते हैं सवाल पूछ ही और सवाल गढ़वाली भाषा की शब्दावली पर वो तो अच्छो लग लो और हमारी कोशिश होली कि आप को ये को आप हैं ये को जवाब मिल लो आ, तो मैं पहले सवाल पुरोहित जी से पूछना चालू कि बताए जाने कि आ, हमारा एक जो छा आर्य आया हिमालय में आर्य आया और आर्यों जो छा उत्तराखंड में भी रहे हैं या, यानी इतिहास में कहीं बताए जाने तो ये बता क्या हमारा जो भाषा चाहिए हमारा जो बोली चाहिए हमारा जो आ, जो माँ चाहिए मा हमारा वैदिक शब्दावली बीच है प्रकाश कर आप पूछे कि हमारे आर्य आये जी 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 तब खैर इतिहास की बात जे, जे, इतिहास की बात से कुछ लोग मान दे बहर विनय कुछ जे, लोग मान दे भाई ये क्या छा आर्यों का आदि जी। अरे वेद माता राम दसवण जी की लिखी उसी तो यन मान दे आ रही है क्या क्या अच्छा जी अब रही भाषा की बात है अपन बोले भाई गढ़वाली मां वैदिक शब्द सिन के छंत कड़मिया छन और कई स्थिति मां जी 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 सबसे पहले तो मैं भाई कोई भी भाषा ही अच्छा जे मां विभिन्न भाषाओं का शब्द नहीं कि छी और भाषाओं का शब्द ना चाहे अंग्रेजी के लिए चाहे हिंदी के लिए या कोई अन्य भाषा के लिए नहीं के लिए दुई आदमी आपस में मिले या कह के भाषा बात गढ़वाली में गढ़वाली जो शब्द है ना तक मेरो अध्ययन और शब्द को उस पर काम कर दे तक मैं ज्ञान हुए

कुछ अर्ध संस्कृत तत्सम और कुछ से तद्भव तद्भव तो उसे वो निकल शब्द जी, जी जी और कुछ से देशज शब्द अब देशज शब्द जनमान्य उदाहरण को है कि जो अब मैं बताणु छु अब कुछ बहर बहरिया भाषाओं का आधुनिक आर्य भाषाओं के सब छ अब पहली चीज जो है कि मैं गढ़वाल में वैदिक शब्द पर पूछ आप आपन जरूर घर पार्टना छोड़ियो देखे सबसे पहलू काम है हाँ। आप यह शब्द सुन देखना देतीकूम शांति देव मैंने आकाश आकाश अब देव शब्द आज भी गड़बड़ी में यथावक्त बन तेम कोई परिवर्तन नहीं उदाहरण दूंगा

गौर कौन बोलता है जेक बेटी नहीं हुई हाँ दिशा सुनी हुई हाँ दिशा सुनी हुई या दिशा ध्यान है कि हाँ दिशा ध्यान है जी, जी जी मैंने लड़की का वास्ता दिशा शब्द बेट मां बीच जी आर्गड वाली मां बीच या था वच्चता में कोई परिवर्तन नहीं जी 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 यह शब्द होर्च जी भगवदी प्रसाद पांत्रीजी के योग्� जी। तो बिट मैंने सवर्ण होते एक हाँ। सामूहिक हो नाम जो हाँ। दिन बिट हाँ कोई बिट बोल कोई बिट अब आज तो हमारा थोड़ा बिट बोला लेकिन आज भी मूल रूप में बिट है बोला जी 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 तो बिट शब्द भी सुद्ध जो चिन बैदिक शब्द बचूं चे या हकु शब्द चे हाँ जी श्या श्या हाँ जी 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 तो श्या शब्द भी यथावत आज भी

सो so, आज भी यथावत जे नीचे जैन वैदिक काल मा छयो तनी यथावत बछी आपन सदु चाबना साध्या साधु सदु 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 साध्या अब ते में थोड़ा अंतर त रे ते में यन में आए एक जन वैदिक काल मा तो सद hmm. hmm. हमारे अपन अब थोड़ा परिवर्तन एक साधु hmm. जी जी लेकिन कुछ जो दूर दराजा क्षेत्र छे ना सु सद्य बना

हाँ, क्या हाँ, जब तक मेरी व्यक्तिगत मानने बात मानो हाँ, भाई आर्य हाँ, 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 आर्यो हाँ, हाँ, का

आ, वो हिंदी या अंग्रेजी या और जो तमिल कन्नड़ ये से क्या भिन्न च मानी ये माँ अलग से क्या चीज़ चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं कि हमारी भाषा सशक्त छ हम तो ते मानी मानून और बहुत अच्छे मानून और और, और भाषाओं ते भी यह ग्रहण केंद्रीय यह न्या चीज़ चाहिए ये गढ़वाली माँ बेंजवाल जी भाषा को व्याकरण लिख दीदा हाँ? मैं तो बड़ू आश्चर्य हुए हाँ? कि जब विशेषण और क्रिया विशेषण जी जी जतना गड़वली माँ छन मैं लग दू कि हिंदी वे वे रूप में बहुत गरीब महसूस हुए मैं मतलब एक तो हर हर भाव का अवस्था अब आप जन की बच्चे चलू तो आप लमडी तो एक बोले अपन फतड़म लमडी हाँ। पतड़ा मतलब एक खुटो पे जोर नहीं हाँ। अब जन आपन बोल कि भतड़म लमडेगी अभी पता अभी पता चल जाओ कि कोई मोटता हाँ, हाँ। गिरी वो नकड़म आएगी हाँ। उस, सड़म हाँ। उस चड़म चल हाँ। ये, ये, ये सब और घल घुल वेन, वेन दे, हाँ। वेन कु, 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 कट तोड़ दे हाँ। तो हर हर भाव ताल और घमकताल

जी जी। तो ये इतनी इतनी समृद्ध ये की मतलब हर ध्वनि हाँ। उस स्वा उड़गी चा चुलाई फा उड़गी है ना हाँ। पा बजगी तो हम आधा आधा तो बोलते ही नहीं खाली मतलब खाली क्रिया को प्रयोग नहीं क्रिया की दगड़ी वो एक्चुअली पूरु सीन जी 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 पूरु आपका सामने एक सीन सी हमारी बात है जो गंद जो गंद होने मैं अनलोड करूंगा ना जी जी कि जो चीज से हमारा पूर्वज से तो ज़्यादा संबंध रहे शब्दावली तो सबसे समृद्ध अच्छा 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 जो चीज से संबंध नहीं रहे तो मध्यन बोलो गढ़ शब्दी और हमारे पूर्वज प्रकृति मारंछा अभी बातचीत न

तो वो कपड़ा फुकी क्या कुतराण आएगी सूदी कपड़ा फूकी कुतराण आएगी ऊनो फुकी तो किड़ान आएगी बाग पाऊं बेर पुन तो किड़ान आएगी बाग पर है बात तो में किड़ान बता मर आज से तनिवन लगभग जन कुछ न ऊनी कपड़ा फूकिया कुलधान पता चला कुलधान बोलता हूँ मैं हाँ तो ना सलान मां कुलधान बता हमारी वक्त किड़ान

ते हम दोनों काफी चीज हाँ, जो अन्य हिंदी हिंदी माँ शब्द हिंदी सूत्रात्मक शब्द कि मतलब जब हिंदी में आप सने पांच छह अक्षर लिखते तब आप एक शब्द में रगराट अब आप समझो वो हिंदी मैं रगराट के आप बता नहीं सकता नहीं हिंदी में समानार्थी नहीं Mm-hmm. चबलाट जो रगळे आर्ट थियो यो शब्द तो ले सकत हिनी सीधी सीधी ले सकत भाई कल का वास्ता कोई सुनी बीतावा हाँ, कल आनी वाला जी जी तो अंग्रेजी में आबीच टुमारो यस्टरडे न न पर तो हिनी जथा अंग्रेजी शब्द हिंदी में खाली काल शब्द दर जाव शब्द दर दे ऐसी बात वो हां और ब्याली हां रग तो कुछ परसी बीच अनी तरसी बीच हां परसी निदर्शी और परसो अनी तरसों बीच सिद्ध बहन जी सेल परसों तरसों तो वही तो पर

ये मतलब ये कि हम मानी समृद्ध भाषा छे हमारी जो गढ़वा भाषा है समृद्ध भाषा छे और देणों छे और है मैं जी आपसे पूछण कि पूछू कि हमारे यहां थोड़ा अलग अलग इलाकों में नागपुर में अलग उच्चारण होन ये श्रीनगर में अलग उच्चारण होन टिहरी में अलग उच्चारण और सलाण में अलग उच्चारण हो बदाण में चल जाए थोड़ा उच्चारण थोड़ा उच्चारण भेद तो यह मना जो औचारणिक जो उच्चारण को हमर भेद तो तो क्या होना चाहिए कि जो हमारे एक उच्चारण हुए जो और आ, हमारे साहित्य में एक मानक शब्द होना और मानक शब्दावली को प्रयोग हो ये माँ क्या करे क्या कर सके हम भाई बेंजवाल जी हाँ। भाषा का प्रति अनुंजन बोली भाषा पहले ये थोड़ा सुखा हाँ, बोलू मैं हम ये अनुमान होते भाषा वैज्ञानिक बोली भाषा छह नहीं जी जी हम जो हमारे लगाव यान में आचे हम बना छे ना बोली नहीं या भाषा सच ये तो माने मन को अपन सुवन एक लगाव का कारण तो अपनी भाषा सामने तो कोई छोड़ नहीं जी, जी जी लेकिन अगर हम लेखन कन चाणा छिन गड़वाली मांगो तो भाई एक मानक तो हम तें बड़ोने पड़ो निश्चित रूप से बड़ोने पड़ो

बिल्कुल मतलब कखी नहीं बेटी भाषा भाषा या, या हुँ, कोई हुँ, बोली या पूरी समृद्ध जो पर काम कर में महसूस के, और जब तक तो तो बना आप हाँ, मैं भी की दृष्टि से आप ठीक बना पर भाषा का अवस्था एक समृद्ध साहित्य बहुत जरूरी आज आज भले ही लोग लेखन के ना छा लेकिन

सच ते ते मानक बनाउन छे लो भाई बनोते तुम अपने क्षेत्र में जेनी बन हां माने आप बनो मतलब यो छे कि बोलने की भाषा अलग होने और लिखने भाषा अलग होने और बोलने से सभी भाषा में गड़ी हूं बेमाल दी साहित्य की भाषा और बोलचाल की भाषा कभी एक नहीं जी 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 कभी नहीं रहे वो तो हर हर युग में वैदिक काल में भी हां और माने मानी लौकिक संस्कृत काल हाँ। साहित्य की भाषा लौकिक भाषा से हमेशा एक दर्जा बिल्कुल बिल्कुल और लौकिक भाषा साहित्य को अनुकरण निकल साहित्य की भाषा तो बिल्कुल लौकिक भाषा अभी अभी आप हिंदी सुन लि तो मुजफ्फरनगर में जो हिंदी बोलना जो सहारनपुर का लोग जो हिंदी बोल दे जो बम्बई हिंदी बोल, 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 बोल देना या जो इलाहाबाद या लखनऊ हिंदी बोल देना तो बोनो को जो ढंग है अलग है लेकिन जो जब लेखन पर लेखन तो जाता हूँ और करता हूँ बोले ना बिल्कुल बिल्कुल तो इत पर है

तो तो बिल्कुल जो प्राइमरी शिक्षा मंगे यदि जलो बच्चों का माध्यम से तो जब आप व्याकरण सतो और भाषा सिखी यदि एक ही तरह से सीखे जल हाँ घर में बच्चा फिर जन घर में जय एक्सेंट मैं बोले दो जय ढंग बोले वही ढंग से बोलू आ, हा, हा। आ, आप पहले सबसे बड़ी बात ये विज्ञान का छात्र रहे हैं विज्ञान पढ़ी आप भी मैथ्स वाले आप भी मैथ्स वाले वाल आप भाषा तरफ आए आप शब्द को उस पर काम करिए और अपन व्याकरण पर का गढ़ी व्याकरण पर काम, गड़वाली पर काम आ, तो आ, आप यहीं तरफ मुड़ीन तो आ, के लिए आप लोगों ने एक अपनो फील्ड छोड़ी दे एक नई नई भाषा की

जय हनुमान करिए जी जी और मैं तो प्रारंभ भी टिनर अंत तक बाई हार्ड सर अच्छा पूरा आठ सर याद छो तो सु एक मूल प्रवृत्ति है सामान्य रुचि है और तब भाई नौकरी आवास तो साइंस पढ़ने गणित पढ़ने जरूरी वो छोटा बात जी 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 मेरे दगड़ भी इनी तो बेंजवाल जी मैं असल में मेरी 10th तक मैं संस्कृत पढ़ी जी मतलब बहुत इंटरेस्ट संस्कृत में लेकिन विज्ञान की तरफा रुचि होने की वजह से क्योंकि जी, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, है और जी, जी, तो आ, हमारा प्रिंसिपल साहब छा शास्त्री जी, जी, जी तो संस्कृत तो इंग्लिश तो देते जरूरी तो पर मेन उन्नी आउट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मंगे मैंने बारहवीं तक व्याकरण पढ़ जी। और पता नहीं क्या मतलब डेस्टिनी कि उबरू पढ़ी व्याकरण जबकि मैंने कभी सोच नहीं चाहू कब का काम ऑलू लेकिन कुछ ये सिचुएशन बने की व्याकरण पर लेखन बताओ और... जन व्याकरण भ्याक, अपन गढ़वाली व्याकरण पर काम करिए तो हिंदी से क्या कख आपने जो थोड़ा सा कठिनाई आई कि कई कई फील्ड में व्याकरण की कई शब्द पर कई मानी क्रिया रूपों माँ या संज्ञा माँ या कखमो जो अव्यय छो माँ या जो विशेषण छ कखमो थोड़ा अलग से लगे और कमो कमी लगी आप पर और कमो अच्छु लगी सही बात बताओ हाँ। तो असल में यो मेरो विषय भी, भी नहीं छो और कुछ इन सिचुएशन बने कि मिन बहुत कमिट को कि हाँ लिखा जाएगा व्याकरण लिखा क्योंकि मैं गढ़वाली भाषा समिति के अध्यक्ष बने बनेगे छो और इन स्थिति बनी तो मिन इन नहीं क्या बोल के गढ़वाली मतलब हिंदी व्याकरण लो और वो जो व्याकरण ली बाजार बेटी खरीदी मिन बोल लोबे तो मैं लिख दो जब कोई नहीं लिख और बाजार बेटी वो भी व्याकरण ले मैं नौ भूलनु को हाँ। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहली बार जो, जो त तो बोली शौकी आप खड़ी बोली को इसको व्याकरण सम्मत करके इसके नियमों को लिपि वो करो हाँ। लिखो।, लिखो तो वो हूं नौ में दिमाग से निकल न प्रदीप, प्रदीप ना, 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 हाँ। नहीं, हाँ। नहीं 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 कुछ थोड़ा सी अलग सी नौ और उन व किताब वो भी खरीदी थी इतनी मोटी किताब छे वो जो व्यक्ति छा जब हिंदी भाषा को पहलो व्याकरण लेखन सम्भव एक फॉर्मेशन असल में क्या तो जो जो स्टेजे से वो व्यक्ति खुद गुजरी मैं पढ़ दू, पढ़ दू, मैं भी वही स्थिति से गुजरनू रहू तो वो किताब मैं में इतना हेल्प के किन तो हिंदी हिंदी को इतिहास ईदगा पढ़ी नहीं तो असल में जब किताब प्रिंट भी होगी रावत जी प्रिंसिपल साहब बोल मनोहर सिंह जी रावत तो उन वे मैं तो पूछी कि आपने हिंदी 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 को कोई व्याकरण वो क्या मैंने जब वो को नौ ले जी। करे आपको तो तभी तभी कि वो तो वो व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण लिखा जे, जे, है है ना जे, फिर मैं घोर एकदम मैंने जब किताब की भूमिका पढ़ी तो मैं सुने फिर इन लगी कि ये लेखन माँ मैं से ज्यादा ईश्वर की इच्छा बिल्कुल ये लेखन माँ ईश्वर की इच्छा है कि मैं लिखूं अदरवाइज

Hmm. मैं बोल यार शब्द को तो तुम करा तो सही शुरू तो कर सही बात है तब प्रेरणा से भी बोल यार वास्तव बच्चा ते जब सारा लेंटर ट पड़ जा रहा तो दुर्बल ही शब्द से समाप्त हो जाओ जो चीज जो वस्तु खत्म होनी भी व्यवहार की बात व्यवहार की बात आज शब्द मतलब मैं विवेकानंद जी छोके की पौनू गो बहुत बढ़िया छो तो वाली प्रतीक और प्रतीक पर से बोना शब्द भी वाल विचार को प्रतीक जी खजा बढ़िया बात बोल हमारे यहाँ एक प्रोजी है कि हिंदी और गढ़वाली में लॉ और अलॉ अलग अलग और तो ये पर भी थोड़ा सा बता हुआ है कि हमारी आज जो लॉ अलॉ वंद और लॉ वंद अरे तो हिंदी मानी अल्लाह हिंदी मानी तो ये माँ थोड़ा सा भेद हाँ। बताया कैचे आपको शब्द यंजन है जो अल्लाह का अल्लाह बोल तो ते को अर्थ बदल जालू ये ना कैचे अच्छा ये ध्वनि जो बोले लोहन कन कैचे हिंदी नहीं माँ तो कोई बर्थ नहीं ये नहीं ते ते बेदु माँ यो गोल गोल लाओ वो नहीं हाँ जी जी गोल गोल जी है ना तो � अल्लाह खर्मा अंतर चंचे जी तो सुजुस

जन खाल हाँ, खाल मैं तेरी खाल खेचे हाँ। तो खाल तो वही चमड़ा चमड़े और खाओ खाओ अब अगर ते तो थे थे भी हम आ, खाओ मैंने तो लो, तो लो। अब ते थे थे भी अगर हम खाल बोला आ, तो सो अर्थ बोध नहीं सका सो तो तनी बहुत सारा छ लॉर और पर बहुत अंतर है जनते माँ के अर्थ बिल्कुल भिन्न हुए जनते

आम पाला दर था पहले काच तोड़ी है ना और पकोड़ों दर हाँ, दिन चाहते हाँ, पालो, पालो आम पालो आम पालो है कि दीवार पालो है दीवार यही संबंध में बेंजवाल जी एक ध्यान में तरफ उजाड़ो जन एक हर्च एक कांपती मात्रा भी चेक जन गां अगां पानु अपानु ना ये मामन सुखर जो एक बार सुख जन पानु और जो सुख ना जन एक चार शब्द

बहुत कम मात्रा माचे चाहिए वो बोल दो जो भाषा सन बोल दो यदि आपन तो लेख ही एक ही बने हो तो बड़ो अनर्थ हो जलो तो जो भाषा का जानकार छ अब यो अवस्था भी कुछ कुछ प्रतीक आप लोग निर्धारित करा व्याकरण में जी आप काम तय पर काम करना चाहिए वो हमसे एक मिली एक, एक ये। तरह को एक डायक्रेटिक मार्क हम बीच में डाली छा कि वे को अंतर कि गौर गौमा गौ है ना इन पौण और पौण ये को अंतर देखो तय वो डाली छा लेकिन भाषा विज्ञानियों से ने एक तो कुछ न, कुछ एक कोई विभिन्न भाषाओं से साउंड थे हैं, वो एक ही चीज जो भाषा नहीं हो ना अच्छा। अच्छा। वो पूरा सुन रिकॉर्डिंग सुन तो उन बोले कि ना ये मैं कोई साउंड में बहुत कम सर नहीं जो भाषा जो ही भाषा नहीं बोल दान वो नहीं समझ सकते नहीं ना, 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 ना वो भी भाषा विज्ञानी बंदा वो तो सब यूँ ही लोग भाषाओं पर काम कर यूं थारों पर करीची या बोक्सा पर करीच अलग अलग जगहों का अब अलग अलग पर काम करी तन छा जो उनकी यू पर अच्छा आचा, क्या हाँ तो रजनी कुछ आपसे पूछ लो कि यह बताओ कि अब हमारो थोड़ा सा पढ़ने को लेखनों को ढंग बदली अब लोग किताब नहीं पढ़ना किताब लिखना पर किताब पढ़ने वाला कम होना चाहिए अब किताब हम उन छाप ली तो पस जोनू जो हम गिफ्ट ना कहते सुना कर पढ़ने वाला गढ़वाली पढ़ने वाला काम छिखवा पर पढ़ने वाला कम, कम रहेगी तो हम तो क्या यान आ, जो डिज डिजिटल बुक ऑडियो बुक या ई ई इन या वीडियो बुक यही तरफ हम तो अग्ने पढ़ना चाहिए जो हर व्याकरण छे या शब्दकोशन क्या तय जो सॉफ्टवेयर में आयोजोन लोग फट अपना मोबाइल में फट देखना चाहें कि यो, भाई यो शब्द रख गलत क्या फट गलत क्या, गल क्या टाइप करो गलत क्या को, क्या कह अर्थ क्या इनमें हम अग्ने नहीं बढ़ी सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकता भाषाओं से न्योंकि नहीं छोड़ी

Hmm. तो तो कुल मिले, कुल ये कि हम जन दुनिया का जन दुनिया आगने बढ़नी चाहिए तो ते, हर भाषा में क्योंकि हमारा हजारों साल को इतिहास हमारा हजारों साल का हमारा जो अनुभव छन हमारी जो पूर्वजू का वो हम समय जो जी लोकल लेवल पर जो का अनुभव वो, छा वो सार्वभौमिक नहीं ना एक भाषा को एक शब्द हट दू तो बहुत कुछ वे शब्द के दगड़ी सब कुछ जाँगा। जाँगा। अब आप यदि हट लू बाड़ी हर्च चलू तो बाड़ी की दगड़ी हमार कोद भी हर्च जलून असली हम बहुत ये पर बात करे सकता परंतु अग्नि भी बात कर सकत छह परन्तु हम तो ये अपनी जो फीम बात जो चर्चा छेख रोकन पढ़ ली समय की मजबूरी होनी कि यो कार्यक्रम एकमु अपन अपेटों पड़ पढ़ हम तो आशा चाहिए कि आपने यो कार्यक्रम जो गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा पर छो बारीक बारीक जानकारी आपने मिली होली और आप लोग जो छा ये कार्यक्रम तो देखना छ जो ये पर अपने प्रतिक्रिया आ, हम तो चिट्ठी के भेजी सकदन और जो चिट्ठी को यो जो पता चाहिए कि हमारी माटी पानी कार्यक्रम दूरदर्शन केंद्र निकट रोस्पन्नापुर देहरादून उत्तराखंड और दूरवास नंबर पर आप देखियो कह अगर फोन भी कभी कन बोलते तो फोन कर ही सकदन और हम तो ये ये चाहिए कि हम फिर हका दिन हका टॉपिक पर आपसे फिर मिलला के हका विद्वान दगड़ी तब तक का वास्ता नमस्कार